अच्छा तो ये वॉच ओवर करता है, आपका जो कैमरा है ये वॉच ओवर करता है, देखता है कि क्या हो रहा है। सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये औरंगजेब से मैंने लिया हुआ है ये लेक्चर, उन्होंने अच्छा खासा बनाया था। एंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू डिफाइन सर्वेलेंस एंड पर्पस ऑफ सर्वेलेंस, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस, डिस्कस द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन कंपोनेंट्स ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई नर्सेज रोल इन सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस क्या है कि इट इज द ऑनगोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटकम स्पेसिफिक डेटा फॉर यूज एंड प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है कि सर्वेलेंस जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप मतलब डिटेक्ट करें डिजीजेस को, आप क्या करते हैं, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट, जी इज द ऑनगोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन। सिस्टमैटिक कलेक्शन में क्या है कि आप हैजर्ड वे में ना जाएं, स्टेप वाइज आपका अप्रोच होता है, पहले आपने क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में किस तरीके से आपने डेटा को कलेक्ट करना है, और फिर एनालिसिस होता है उसी डेटा का, आपको आप एनालाइज कर देते हैं कितने पॉजिटिव केसेस हैं, कितने नेगेटिव केसेस हैं, कौन से जो ना वो रिस्क पे हैं एंड सो ऑन, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन आप कर देते हैं अपने डेटा का। हाँ, आप आउटकम स्पेसिफिक डेटा फॉर यूज एंड प्लानिंग, जिस डेटा को फिर आप प्रोग्राम आप लॉन्च करेंगे ना, जितने बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं तो फिर आप प्लान करते हैं उनके लिए कोई पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन आप कर लें, फॉर एग्जाम्पल स्प्रे करें, हाँ फॉर एग्जाम्पल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करें, हाँ क्लीन वाटर सप्लाई करें, और फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर दें। तो ये सारे पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है। इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जो पॉलिसीज है पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को फिर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं कि सही तरीके से जाते हैं कि नहीं जाते, जो भी पॉलिसी आप बनाते हैं फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, फिर आप मॉनिटर कर देते हैं और देखते हैं कि वाकई सही इसके इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो सर मीन्स फ्रॉम अबव एंड वेलर मीन्स टू वॉच, तो सर्वेलेंस का मतलब है टू वॉच फ्रॉम अबव, ये आई थिंक ये फ्रेंच वर्ड है। की फंक्शन ऑफ डिजीज सर्वेलेंस, अर्ली वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, मॉनिटरिंग डिजीज स्पेसिफिक और मल्टी डिजीज प्रोग्राम, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू प्लान पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन एंड स्टिमुलेटिंग रिसर्च। द फर्स्ट वन इज की फंक्शन क्या है, अर्ली वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। सर्वेलेंस का मतलब यही होता है कि भाई आप जाएं, जब आप देखेंगे कि बहुत बड़े लोग जो है ना वो बीमार हैं, तो दैट वार्न्स यू द पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, के बहुत सारे लोग जो है ना वो बीमार हो रहे हैं। अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज एक जगह पे आ गए तो कहते हैं करीब जवार में ये डिजीज जो है ना वो फैल सकती है। मॉनिटरिंग डिजीज स्पेसिफिक और मल्टी डिजीज प्रोग्राम, मॉनिटर करते हैं सर्वेलेंस में डिजीज स्पेसिफिक कोई एक डिजीज, और मल्टी डिजीज प्रोग्राम या बहुत सारे बीमारियों के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, उनको कंट्रोल के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए, हाँ तो उसको आप मॉनिटर करते हैं, आप जाते हैं उनको देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज चल रही है, उसमें करेक्शन की जरूरत है कि नहीं है, हाँ रीडायरेक्शन की जरूरत है क्या है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू प्लान पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, हाँ इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस आपको इंफॉर्मेशन दे देता है कि आप पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के फला जगह बहुत अनहाइजीनिक है, लिहाजा जाए और वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर दे, वरना बहुत सारे लोग मलेरिया का शिकार हो जाएंगे। स्टिमुलेटिंग रिसर्च, और जाहिर सी बात है कि आपके पास बहुत सारे जो ना वो टॉपिक्स आ जाते हैं कि भाई इस जगह पे रिसर्च करने की जरूरत है, तो ये आपको सर्वेलेंस से पता चलता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग लागर हैं, खाना खा भी रही है लेकिन फिर भी वो लागर हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन है, लोग बीमार होते कि नहीं होते, ये एक रिसर्च टॉपिक है, तो इट स्टिमुलेट्स रिसर्च। एग्जाम्पल ऑफ सर्वेलेंस अर्ली वार्निंग साइंस, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल मेड द पब्लिक फॉर टेकिंग प्रिवेंशन, देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ सार्स, हाँ सीवियर अक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो सार्स जो जिसको आप ये बर्ड फ्लू है, हाँ बर्ड फ्लू था ना, जो बर्ड फ्लू का एक आउटब्रेक हुआ था चाइना में, हाँ और ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है ना, वो बर्ड फ्लू था। पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स, हाँ पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट
बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज जो आजकल आपको पता चलता है कि बायोलॉजिकल वेपन्स, तो बायोलॉजिकल वेपन्स में बेसिकली जरासीम है जो आप फेंकते हैं तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये COVID-19 भी बायोलॉजिकल वेपन है, अ केमिकल एजेंट, ये केमिकल भी हो सकता है, जैसे बॉम्बिंग है, हाँ जेट तैयार हैं वहां पर बॉम्बिंग करते हैं तो ये केमिकल एजेंट्स हैं। एबोला है, एबोला इज अ वायरल डिजीज। टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस, एक्टिव सर्वेलेंस है, वेरीफाई इन्वेस्टिगेट एंड वैलिडेट द डिजीज इन द कम्युनिटी एंड टू डिटेक्ट मोर केसेस इन द कम्युनिटी। Verify, investigate, and validate the disease in the community and to detect more cases in the community. ये verify करते हैं, investigate करते हैं, validate करते हैं diseases को in the community, especially जो public health concern जो है वो community population है, और surveillance ज्यादातर जो है ना वो public health वाले करते हैं। More accurate, timely, short periods, more resource intensive. एक्टिव सर्वेलेंस में क्या है कि बाकायदा प्लानिंग होती है, लोगों को हायर किया जाता है, उनको भेजा जाता है, बाकायदा एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है, तो ये मोर एक्यूरेट, टाइमली, शॉर्ट पीरियड्स, मोर रिसोर्स इंटेंसिव। इसमें बहुत ज्यादा आपका पैसा भी लगता है क्योंकि लोगों को आप हायर करेंगे, तनख्वाहें देंगे, इक्विपमेंट देंगे, वो सारा जो है इस पर आपका पैसा लगता है, और शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए होता है, महीने के लिए, दो महीनों के लिए, साल के लिए। पेसियो का मतलब है कि डजंट वेरीफाई, इन्वेस्टिगेट एंड सेंड द डेटा विदाउट वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आपने क्लिनिक में से किसी को कह दिया डॉक्टर को कि भाई आपके पास अगर COVID-19 के साइन सिम्टम के साथ मरीज आता है तो आप हमें भेजा करें, तो वो डेटा भेज देता है लेकिन उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, ना उनके पास क्लिनिक में लेबॉरेटरी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे फर्दर, और ना उनके पास वो COVID-19 के टेस्ट की सहूलत मौजूद होती है, तो वो बस आपको भेज देते हैं कि इतने मरीज आए और इतने साइन सिम्टम है, तो वो शक की निगाह से देखते हैं कि इतने लोग जो है ना वो COVID-19 के शिकार होंगे, तो उस पे अमल करना फिर वो थोड़ा सा आप समझे कि वो रिलायबल डेटा नहीं होता। पैसिव सर्वेलेंस में गिव यू द इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर फर्दर प्लानिंग। पैसिव सर्वेलेंस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कभी मतलब अगर 10 मरीज आपको भेज देते हैं विदाउट वेरिफिकेशन, हो सकता है इक्का दुक्का दो तीन मरीज आपके पास आ जाएं और वो पॉजिटिव हो, तो ये भी हो सकता है। Sentinel surveillance encompasses a wide range of activities focused on monitoring key health indicators in general or in a special population. इसका range जो है ना वो बड़ा होता है, ये भी type of surveillance है लेकिन बहुत बड़े इसमें activities होते हैं, ये passive भी हो सकता है, active भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़े specific population में बहुत सारे जो है ना इनके range of activities होती हैं, इसमें monitoring है, key health indicator in journals, जो मॉनिटरिंग ऑफ की हेल्थ इंडिकेटर इन जनरल आर इन स्पेशल पॉपुलेशन, मे बी पेशियो, मे बी एक्टिव, की हेल्थ इवेंट्स। की हेल्थ इवेंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल एक पेशियो और एक का क्या मतलब है? पेशियो का मतलब ये है कि खुद ब खुद आपके पास आ जाता है, आपने किसी को इन्फॉर्म किया है कि अगर आपके पास कोई डिजीज आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हेल्थ अथॉरिटी को भेजते हैं। एक्टिव का मतलब ये कि बाकायदा प्लानिंग होती है, उनके लिए बजट मुख्तस किया जाता है, लोगों को हायर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है और उनको फील्ड में भेजा जाता है, यहां पर इस तरह नहीं होता पैसे। समझ में आ गई बात? यस सर, थैंक यू। क्लिनिक्स आर अदर साइट एट विच हेल्थ इवेंट्स आर मॉनिटर। हेल्थ इवेंट्स क्या हो सकते हैं? मतलब आप कोई प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं COVID-19 की वजह से, वैक्सीनेशन हो रही है, ठीक है, जन लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सारे जो है ना वो हेल्थ इवेंट्स हैं। सर्वेलेंस जनरल प्रिंसिपल, अच्छा जी, आप क्या करते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम में डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको फिर रिपोर्ट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग होती है इंफॉर्मेशन की, ये इंफॉर्मेशन फिर इसको एनालाइज किया जाता है कि आइए अब इंफॉर्मेशन कितने अप्रोप्रिएट है, इस पे हमें एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना, फिर यहाँ पर डिसीशन होती है कि वे आर गोइंग टू टेक एक्शन। तो यहीं से आप प्लानिंग वेलिंग करके डिसाइड कर लेते हैं, लोगों को हायर कर देते हैं और फिर आखिर में एक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो फिर आप एक्शन लेते हैं। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये बताता है कि पहले आप डेटा कलेक्ट करें, उसको रिपोर्ट करें,
रिपोर्टिंग में यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है, उनको इन्फॉर्मेशन के पास जाते हैं, ये प्लानिंग करती हैं और ये पॉलिसीज बनाती हैं, ये डिसीजन ले लेते हैं डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद कि हमें करना क्या है, और फिर एक्शन पे जाते हैं, लोगों को फील्ड में जो है वो डिप्लॉय करते हैं. एलिमेंट्स ऑफ द सर्वेलेंस सिस्टम, ऑल सर्वेलेंस सिस्टम इन्वॉल्व सिक्स की एलिमेंट्स. नंबर फर्स्ट, डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ अ हेल्थ इवेंट. डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ अ हेल्थ इवेंट, कोई डिजीज है, COVID-19 इसका प्रेवलेंस है, तो आप इसको डिटेक्ट करें और नोटिफाई करें हेल्थ अथॉरिटीज को. इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन, एपिडेमियोलॉजिकल क्लिनिकल लेबॉरेटरी, जो भी केस आपके पास आए हैं पहले उसको इन्वेस्टिगेट करें और कंफर्म करें लेबॉरेटरी के थ्रू, टेस्ट उनके करवाएं. फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा उन पे कलेक्ट करें, कितने लोग आपके पास आए, कितनों में से कितने पॉजिटिव होते हैं, कितने नेगेटिव होते हैं, उनको फिर आप भेजें, इसको एनालाइज कर दें, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा करें. हाँ, एनालाइज करें. और एनालिसिस का मतलब ये है, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि आप एक कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ पर आपको अनहाइजीनिक कंडीशन और ये डायरल डिजीज के बारे में आपका कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आप जाते हैं तो आप डेटा जब कलेक्ट करते हैं किसी क्वेश्चनियर के थ्रू, तो आप उनको फिर लेकर आते हैं, अच्छा जी ये अनहाइजीनिक कंडीशन थी, ये फैक्टर्स थे, पोल्यूशन था नहीं था, मच्छर थे या नहीं थे, लोगों की जिंदगी या पर्सनल हाइजीन कैसे थे, ये सारा आप एनालाइज कर देते हैं और फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब निकाल लेते हैं. फीडबैक एंड डिसमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स, फिर आप फीडबैक दे देते हैं. फीडबैक में अभी हमने कहा कि हम वो एक्शन ले लेते हैं एंड डिसमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को डिसमिनेट कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं. तो स्प्रेडिंग की सूरत में क्या होती है, आप अथॉरिटीज को भी भेज सकते हैं, आप अखबार में भी दे सकते हैं, आप जर्नल में भी दे सकते हैं, ये डिसमिनेशन है. या फिर आप किसी सेमिनार में लोगों को बुला के उनको बता सकते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, तो दीज आर डिसमिनेशन एक्चुअली ऑफ द रिजल्ट्स. रिस्पॉन्स अ लिंक टू पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, और फिर आप रिस्पॉन्स दे देते हैं. हाँ, डिसमिनेशन ऑफ रिजल्ट आपके पास आया, फिर आपने रिस्पॉन्स देना है, अ लिंक टू पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली एक्शन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो भी आपके पास डेटा आया उसको बुनियाद बना के वहां पर आपने कौन से इंटरवेंशन करने हैं, वहां पर आप फील्ड में जाएं और उस डिजीज को प्रिवेंट या कंट्रोल करें, वैक्सीनेशन करें या फिर इलाज करके उसको कंट्रोल कर दें. या अगर आप देखें तो आउटब्रेक डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स विदाउट प्रिपेयरनेस, आप मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, ये फर्स्ट केस है. लेट डिटेक्शन है, डिलेड रिस्पॉन्स है. यहाँ पर आप देखें गैप कितना आ रहा है, चौथे दिन पे आपने फर्स्ट केस आइडेंटिफाई किया, 16वें दिन पे आपने डिटेक्ट किया, हाँ कोई उनका टेस्ट करवाया, और 28वें दिन पे आपने रिस्पॉन्स दिया, कितना बड़ा गैप है. और फिर अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोल, ठीक है जी, तो कंट्रोल के लिए ये आप अगर गैप को देखें तो ये बहुत बड़ा गैप है, इससे तो बहुत सारे लोग जो है ना वो बीमार होंगे. अब ये जो है प्रिपेयरनेस है, ये देखें चौथे या तीसरे दिन पे आपका फर्स्ट केस आया और 7 डे पे आपने डिटेक्ट कर लिया, रैपिड रिस्पांस है, 12-13 दिनों में, विद इन 12-13 दिनों में आपने उसको रिस्पांस कर लिया, एंड पोटेंशियल केसेस प्रिवेंटेड, बाकी जितने केसेस आ रहे हैं उनको आपने प्रिवेंट कर लिए. कैसे प्रिवेंट कर लिए, आपने कंट्रोल या प्रिवेंशन के लिए इकदाम उठाए तो और केसेस आपके पास नहीं आएंगे, वरना ये वाले केसेस जो है इसी पूरे पॉपुलेशन में गुल मिल हो के बहुत सारे पॉपुलेशन को आपने लपेट में ले लेगी. तो लिहाजा आपने क्या किया कि यहीं पर आपने इसको प्रिवेंट और कंट्रोल कर दिया, तो ये रैपिड रिस्पांस है. सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, कहां कहां से आपको डेटा मिल सकता है, मॉर्टेलिटी रिपोर्ट्स हैं, मॉर्बिडिटी रिपोर्ट्स हैं, हाँ जो बीमारियां हैं, जो डेथ्स हैं उसके रिपोर्ट, एपिडेमिक रिपोर्ट्स हैं, कहाँ पर एपिडेमिक हुआ है, रिपोर्ट्स ऑफ लेबॉरेटरी यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग लेबॉरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स, आजकल जो लेबॉरेटरी रिजल्ट्स हैं, रिपोर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल केस इन्वेस्टिगेशन, और कम्युनिटी में जाके आप एक एक केस को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो एक सोर्स है. रिपोर्ट्स ऑफ एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, टीम अगर आप भेजते हैं और वहाँ पर एपिडेमिक को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये एक टाइप ऑफ डेटा है, सोर्स है. स्पेशल सर्विस, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल एडमिशन, डिजीज रजिस्टर, सेरोलॉजिकल सर्विस,
ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उसी के बुनियाद पर आप डिटेक्ट करते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है. इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल रिजर्वायर इज एंड वेक्टर्स, आप जैसे कांगू वायरस हैं तो वो एनिमल से जो ना वो फैलता है, और बहुत सारे जैसे डंगी फीवर हैं, जैसे ये मच्छर हैं, हाँ, या और जो डिजीजेज हैं जिसको जूनोसिस कहते हैं, एनिमल से फैलती हैं, तो उनके रिजर्वायर को आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये भी एक सोर्स है. डेमोग्राफिक डेटा है, उसकी नस्ल, उसका एज, उसकी लोकेलिटी, ये सारा डेमोग्राफिक है. एनवायरमेंटल डेटा है, एनवायरमेंट पोल्यूटेड है, अनहाइजीनिक है, क्लीन है, ये एनवायरमेंटल डेटा है. तो ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ डेटा फ्रॉम वेयर यू कैन कलेक्ट योर डेटा, देन यू विल इंटरप्रेट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एंड अकॉर्डिंगली यू विल रिस्पॉन्ड टू दैट पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड द डेटा, वेदर दे नीड इंटरवेंशन और दे डू नॉट नीड इंटरवेंशन. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, यहाँ पर आप देखें इंडिविजुअल केस जो है यहाँ पर उन्होंने डिटेक्ट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहा है लोकल एरियाज को, लोकल फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ये रिपोर्ट करता है स्टेट लेवल पे, ठीक है जी. स्टेट लेवल पे मतलब आप प्रोविंशियल जैसे बंदे बैठे हुए हैं, फिर वो रिपोर्ट करते हैं सीडीसी. फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, मैं आपको फ्लो बता देता हूँ, ये एक विलेज है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और अथॉरिटी है ये, फिर आपका प्रोविंशियल जो हेल्थ अथॉरिटी है, डीजी हेल्थ है, यहाँ पर ये इस्लामाबाद है जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. अब जैसे एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाता है कि इतने इतने केसेस हमारे पास आए हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर वो फंडिंग करते हैं उसके लिए, ठीक है जी. तो ये इस तरह का एक, फिर वो WHO क्या करता है कि इस CDC को रिकमेंडेशन दे देता है कि आपने करना क्या है, ठीक है जी. ये CDC फिर आगे जाके यहाँ स्टेट लेवल पे, या हम प्रोविंशियल कहेंगे, हाँ प्रोविंशियल लेवल पे उनको हिदायत जारी कर देते हैं, और फिर ये लोकल लेवल पे वहां पर जो अथॉरिटीज बैठी है, और फिर ये विलेज साइड पे जाके, हाँ विलेज साइड पे जाके इनको फिर रिस्पांस कर देते हैं कि उनको करना क्या है. वाइटल स्टेटिस्टिक सर्वेलेंस, रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स डेथ्स, अ बेसिक बट क्रिटिकल कॉर्नरस्टोन्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस. मॉर्टेलिटी डेटा ओवर पास्ट सेंचुरी शो डिक्रीज इन रेट ऑफ डेथ्स ड्यू टू इंफेक्शियस डिजीजेस, रेट ऑफ डेथ्स फ्रॉम नॉन इंफेक्शियस कॉजेज रिमेन स्टेडी. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ्स अमंग इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, लॉन्ग यूज एज इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल पब्लिक पॉपुलेशन हेल्थ. एंड बर्थ डेटा यूज टू मॉनिटर इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म बर्थ, रिस्क फैक्टर फॉर वेराइटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम. तो ये वाइटल स्टेटिस्टिक है. वाइटल स्टेटिस्टिक बेसिकली आपकी फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी है, ठीक है ना, इसको हम वाइटल स्टेटिस्टिक कहते हैं. केस फर्टिलिटी है, ठीक है जी, बहुत सारी चीजें इस वाइटल स्टेटिस्टिक में आ जाती है, लेकिन बेसिकली वाइटल स्टेटिस्टिक आर रिलेटेड टू योर मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी, ये वाइटल स्टेटिस्टिक्स होते हैं. इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, इन्फर्ट मॉर्टेलिटी है, टोटल जो क्रूड डेथ रेट है, पॉपुलेशन स्पेसिफिक डेथ रेट है, ये सारी चीजें वाइटल स्टेटिस्टिक में आती है. वाइटल स्टेटिस्टिक इन पाकिस्तान आर अवेलेबल फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज इस्लामाबाद, ये उनका जो है ना वो वेबसाइट है. In Pakistan, demographic and survey is conducted each year and published by NIPH, National Institute of Population Studies. Disease reporting and surveillance, a structure approach to strengthen national communicable disease surveillance system should include. अच्छा जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछा करें जी, मैं तो बोल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये इतने मुश्किल नहीं है. सेल्फ स्टडी से थोड़ा बहुत मैं आपको समझा के अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जाएगा. तो सर, SWOT एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम. अच्छा अच्छा, वो आप उस पे आते हैं ना. स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, इस पे हम आ रहे हैं अभी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. तो पहले जो है ना आप असेसमेंट करते हैं. असेसमेंट का मतलब क्या होता है? फसलन मैं आपके क्लास को असेस करता हूं, तो क्लास में असेसमेंट क्या होती है?
एक किट ले लेते हैं, एमसीक्यूज दे देते हैं, ये असेसमेंट है। आप एक क्लासरूम की असेसमेंट करते हैं तो उसकी दीवारें चेक करते हैं, पंखे चेक करते हैं, बोर्ड चेक करते हैं, ये असेसमेंट है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या रिक्वायर्ड है, ये असेसमेंट है। जब आप डिजीजेस के असेसमेंट करते हैं तो प्रॉपर आपने साइन सिम्टम को देखना होगा, हिस्ट्री आपने लेनी होगी, जैसे आप क्लिनिकल पे हिस्ट्री ले लेते हैं, फिर आपने इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट है। फिर आपने जब असेसमेंट कर लिया, आपके पास इश्यूज आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। हाँ, कितने प्रॉब्लम्स हैं, यानी डिजीज कितने और प्रायोरिटी क्या है, किसको आपने प्रायोरिटी देनी है, कौन सी वाली डिजीज को आपने प्रायोरिटी देनी है। SWOT एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल आपका HMC है या कोई और सिस्टम है, तो उसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या है। स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास अफरादी कुव्वत मशीनें कितनी हैं, वीकनेसेस क्या है, उनमें अफरादी कुव्वत की कमी है, मशीनों की कमी है, ये वीकनेसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि आप जैसे लोगों को हायर करना एक अपॉर्चुनिटी है, वहां से लोग जब आते हैं तो रिकवर होके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी है। और उनको थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स का मतलब ये है कि इनसे अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है तो ये इनके लिए थ्रेट है, फिर लोग इसमें नहीं आएंगे। तो ये SWOT एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम है। डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, और फिर एक्शन प्लान आप बनाएं, फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दें। एक एक्शन प्लान में हम क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं,